ग्वालियर के गांधीबाग परिसर में स्थित आलिशान एथनिक वेयर्स के तीसरे शोरूम का आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों उद्घाटन हुआ है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आइए डालते हैं एक नजर। आलिशान नागपुर शहर का जाना माना एथनिक स्टोर है, जहां हर तरह के कपड़ों की वैरायटी देखने मिलती है और यही कारण है कि ग्राहकों की पसंद आलिशान बन गया है। ग्राहकों के ही विश्वास और भरोसे के कारण आलिशान एथनिक वेयर के तीसरे भव्य शोरूम का आज शुभारंभ किया गया है। शोरूम की बनावट किसी पारंपरिक महल से कम नहीं है, जिसमें खूबसूरत शेरवानी, कुर्ता, जैकेट, जोधपुरी, दूल्हे की पगड़ी, इसके साथ कई अन्य कपड़ों की खासी रेंज ग्राहकों के लिए रखी गई है। इस दौरान आलिशान एथनिक के रितेश मोदी द्वारा बताया गया कि इस शोरूम को इस तरह से बनाया गया है और यहाँ कपड़ों की इतनी अलग अलग वैरायटी रखी गई है, जिससे नागपुर शहर का नाम देश के कोने कोने तक पहुँचे। साथ ही वे बोले, ग्राहकों की पसंद का पूरा ख्याल रखते हुए यहाँ कपड़ों की रेंज रखी गई है। इसके साथ ही यहाँ आए ग्राहकों द्वारा आलिशान एथनिक के बारे में क्या कहा गया है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हम फिलहाल मौजूद है शहर के जाने माने आलिशान शोरूम में। आलिशान जो है जाना माना नाम है शहर का, शहर से ही नहीं शहर के बाहर से भी यहाँ ग्राहक आते हैं। जो आलिशान शॉप है इसका दूसरा एक शोरूम है, लेकिन ग्राहकों की जो चाहत देखते हुए, ग्राहकों का प्यार देखते हुए आलिशान के नए शोरूम का और एक ओपनिंग हुआ है इतवारी में, जहाँ पे हमें कई तरह के ब्रांड्स के, कई वैरायटी के यहाँ पे जो है मेंस वेयर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम सैर करते हैं आज आलिशान शॉप की। आलिशान, दिस इज द शॉप हैज़ द बेस्ट कलेक्शन इन द एंटायर स्टेट आई मेट से, एंड नाउ इट्स गोइंग ऑन द इंडिया लेवल, एंड द प्राइजेस एंड द रेंजेस आर रियली यू नो वेरी कम्फर्टेबल लेवल, सो द शॉप हैज़ द बेस्ट, लाइक द बेस्ट वन। थैंक यू आलिशान। आज का दिन में पूरा इंडिया में हम लोग घूमते हैं तो देखा नागपुर का जो आलिशान है इज़ द बेस्ट बेस्ट बेस्ट, तो हम लोग आगे प्रार्थना ऊपर वाला करते हैं जो आलिशान आगे जाके भी और भी बड़ा नाम होगा, और कोशिश करती हूँ हम लोग यहाँ से ही, हम लोग कलकत्ता रहते हैं लेकिन वी आर कमिंग फ्रॉम कोलकाता, बट वी वांट टू परचेस ओनली फ्रॉम आलिशान। थैंक यू। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज आलिशान का जो है ओपनिंग हुआ है, ग्रैंड ओपनिंग हुआ है केंद्रीय मंत्री गडकरी के हाथों। हमने बताया कि हम सफ़र कर रहे हैं आलिशान शोरूम की, हमारे साथ ओनर है उनके, उनसे जानेंगे कि इतना सुंदर शोरूम, कपड़ों के साथ साथ शोरूम भी बहुत ही अच्छा बनाया है, इसके पीछे की संकल्पना क्या है और नागपुर वासियों के लिए इस बार आप क्या खास लेकर आए हो? अभी तक ऐसा कोई बड़ा शोर नहीं था एथनिक का, हम हमेशा मान्यवर, ब्लैकबेरी, रेमंड, हम यही बातें करते थे, तो ये नागपुर के स्टोर्स नहीं है ये, या नागपुर का कोई मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड नहीं है। हमारे पास नागपुर में अभी ऐसा कोई कपड़े में या एथनिक में ऐसा कोई नहीं कि जो अभी इंडिया लेवल पे नाम कमाए, तो एक सपना है कि नागपुर का नाम पूरे इंडिया में होना चाहिए। जैसा गडकरी साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि नागपुर को हम उस लेवल पे ले जाएं, तो पब्लिक का भी काम है, हम जनता का भी काम है, हम व्यापारियों का भी काम है, क्योंकि देश में जब तक हम सब मिलके काम नहीं करेंगे, हम सब इसको अपना नहीं मानेंगे, तब तक हम सब मिलके इस देश को आगे नहीं ले जा सकते। हमें तो नागपुर को उस लेवल पर ले जाना है कि लोग ये कहें कि हमें बम्बई खरीदी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें नागपुर में मिल जाता है। तो मेरा भी ड्रीम है कि बॉम्बे, पूना या दिल्ली, कैलकाटा, जो लोग जाने की सोचते हैं वो ना सोचें, वो नागपुर के नागपुर में परचेस करें, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे साड़ी हो, ज्वेलरी हो, चाहे रेडीमेड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो सब कुछ नागपुर में ही रहे। और ये उसी का एक छोटा सा प्रयास था मेरा, और कोशिश है कि हम लोग इसमें सक्सेस हो और आगे बढ़ें। पहले भी जो शहर में है हमने देखा है कि आलिशान के होल्डिंग्स लगते रहते हैं, और जिस तरह से यहाँ का मतलब यहाँ की सर्विस है, जिससे पहले नागपुर कर तो मतलब यहाँ की सर्विस से वाकिफ़ है, और उसी वही प्यार देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये भी शोरूम का ओपनिंग हुआ है नागपुर वासियों के लिए। दिवाली का मौका है, क्या कहना चाहोगे शहर वासियों? शादी ऐसी चीज़ होती है कि जो ज़िंदगी भर याद रहती है, वो मेमोरीज होती हैं। हम जब 70 साल के होते हैं, 80 साल के होते हैं, 40 साल के रहते हैं, जो भी रहे, चाहे शादी को एक साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 50 साल हो, वो यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं। तो
ये एक ऐसा लम्हा है कि जब हम कपड़े खरीदते हैं तो हम चाहते हैं कि हम सबसे अलग दिखें, या दूल्हा भी ये चाहता है कि इसके पहले जितने भी दूल्हे बने उससे हम अलग दिखें। तो हमने भी यही कोशिश की है कि नागपुर में हम बम्बई, इंदौर, कलकत्ता, यहाँ के दूल्हों को भी हम नागपुर में लाके उनसे खरीदी कराएं। वो भी मजबूर हो जाएं कि हम यहीं आएँ और नागपुर में आके परचेस करें। मैं सिस्टम में ये लाना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि नागपुर को उस लेवल पे लोग, मतलब हम सब मेहनत करें ऐसा, सारे ब्रांड मिलके कि हम लोग सब है नागपुर को उस लेवल पे देखें कि इंडिया में हम उस लेवल पे हैं, हम उस ऊंचाई पर मुकाम पर हैं। जैसे कि सर ने बताया हमें कि नागपुर का नाम आलीशान के वजह से पूरे पैन इंडिया पे जो है उसका पहचान हो, और उसी को देखते हुए उसी संकल्पना के तहत जो है आज इस शोरूम का उद्घाटन हुआ है। और जिस तरह से हमने देखा कि बहुत ही प्यारा शोरूम यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही प्यारा शोरूम यहाँ बनाया गया, कपड़े तो प्यारे होते ही है, खूबसूरत होते ही है आलीशान के, लेकिन उसके साथ साथ भी सर्विस भी यहाँ की काफ़ी अच्छी है, और सर्विस के साथ भी यहाँ का जो डेकोरेशन है, यहाँ का जो पूरा एटमॉस्फियर है वो इस तरह से बनाया गया है कि सच में कोई भी खरीदी करने अगर आता है या दुल्हन आती है दूल्हे के साथ तो ऐसा लगना चाहिए कि हम एक शादी का मतलब एक माहौल यहाँ पे बनाया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।